लिखेंगे बेटा, लिखेंगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन, राइट रेक्टिफाइंग एंट्रीज, राइट रेक्टिफाइंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जिगर स्टोर्स, इन द बुक्स ऑफ जिगर स्टोर्स। नंबर वन, नंबर वन, परचेज गुड्स ऑफ रुपीज, परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 5,000 फ्रॉम भावना, 5,000 फ्रॉम भावना, recorded in sales account, recorded in sales account as rupees 500, recorded in sales account as rupees 500. Sir, repeat karo na pura fir se. Purchase goods of rupees 5,000 from Bhavna, recorded in sales account as rupees 500. Sir, this was the first question. Yes, this was the first transaction. Next, second number, beta. Paid installation expense, paid installation expense of rupees 1,000, of rupees 1,000 of machine recorded in wages account, recorded in wages account. Next transaction. Sir, 1 minute. Next transaction. Paid personal medical bill, paid personal medical bill of rupees 1,000, recorded in miscellaneous expense account. Sir, ye repeat karo. Paid rupees 1,000 of personal medical bill, recorded in miscellaneous expense account, recorded in miscellaneous expense account. Next. Paid rupees 3,000 to Nayan, paid rupees 3,000 to Nayan, recorded in Naina's account, recorded in Naina's account. Sir, please repeat. Paid rupees 3,000 to Nayan, recorded in Naina's account. Next. Gave rupees 4,000, gave rupees 4,000 to Kishore as advance salary, recorded in salary account, recorded in salary account. Next.
purchase goods of rupees, purchase goods of rupees 2000 remains unrecorded in books, remains unrecorded in books. Next. That remain unrecorded in books. Next. Allowed a discount of rupees 100. Allowed discount of rupees 100 to Jagdish remains unrecorded. Remains unrecorded. Next. Bank has credited interest rupees 50, recorded on payment side. Kitne transactions hue students? सर हाँ बेटा ये वाले ट्रांजेक्शन की अमाउंट क्या है बेटा कोई ट्रांजेक्शन पढ़ लो ना क्योंकि मेरा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में दिमाग जा रहा है बैंक हैज क्रेडिटेड इंटरेस्ट रुपीज 50 रिकॉर्डेड ऑन पेमेंट साइड देखो बेटा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन मस्त Purchase furniture of rupees 5000 recorded as rupees 500 comma bank loan of rupees Bank loan of rupees ऐसा लिखो बेटा bank loan of rupees 7500 recorded as rupees 3000. चलो स्टूडेंट्स अब ध्यान से आप लोगों का बोर्ड पे बैठा डेट जैसे बेटा हम लोग जर्नल एंट्रीज में रिकॉर्ड करते थे वैसे ही बनाना है डेट पर्टिक्यूलर एलएफ डेबिट रुपीज क्रेडिट रुपीस ठीक है स्टूडेंट्स फर्स्ट एंट्री आर्यन रीड करो बेटा क्वेश्चन फर्स्ट एंट्री का यस सर परचेज गुड्स ऑफ रुपीस 5000 फ्रॉम पावना रिकॉर्डेड इन सेल्स रुको बेटा परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 5000 फ्रॉम भावना मुझे इसकी करेक्ट एंट्री बताओ बेटा परचेज अकाउंट डेबिट टू भावना परचेज अकाउंट डेबिट टू भावना 5000 अरे अब रॉन्ग क्या किया बेटा अपन ने पढ़ो तो Recorded in sales account of rupees 500. आर्यन इसकी wrong entry try करो बेटा. हमने उसको गलती से sales में 500 रुपए लिखा है बेटा. Wrong entry try करो.
भावना अकाउंट डेबिट टू सेल्स. वेरी गुड बेटा, भावना अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स 500. स्टूडेंट्स कल मैंने आपको बताया था बेटा कि जो रॉन्ग एंट्री होती है उसको हम लोग क्या करते हैं बेटा, रिवर्स. तो मैं इसको रिवर्स करूं तो एंट्री क्या बनेगी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट डेबिट टू भावना 500. अब इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री सीधा हम लोग यहां पे लिखेंगे बेटा, जहां पे हम लोग फर्स्ट एंड थर्ड मतलब करेक्ट और रिवर्स दोनों को कंबाइन करेंगे बेटा. परचेज अकाउंट डेबिट 5000, फिर सेल्स अकाउंट डेबिट 500 टू भावना दोनों जगह पे 5000 और 500 5500. बड़ा ट्रांजेक्शन वन क्लियर सबको स्टूडेंट्स? यस सर. यस सर. ट्रांजेक्शन वन में किसी को कोई डाउट बेटा? नो सर. आयुष इसमें नरेशन नहीं आएगा ना? यस आएगा ना बेटा. बीइंग जो मैंने आपको लिखा है ना बेटा, बीइंग गुड्स ऑफ गुड्स परचेज ऑफ रुपीज 5000 रिकॉर्डेड इन सेल्स अकाउंट एज रुपीज 500. ठीक है बेटा, वो इसका नरेशन होगा. ओके यस सर. चलो सेकंड नंबर आयुष सेकंड नंबर क्वेश्चन रीड करो बेटा. Paid installation expense of rupees 1000 of machine recorded in wages account. चलो इसकी करेक्ट एंट्री आयुष ट्राई करो बेटा. यस सर. मशीन का इंस्टॉलेशन 1000 रुपया पे किया बेटा. यस सर. अभिषेक आप ट्राई करो बेटा. मशीन का इंस्टॉलेशन 1000 रुपया पे किया बेटा. मशीनरी टू कैश अकाउंट. मशीनरी टू कैश सिंपल कैश, क्योंकि मशीन का पैसा पे किया बेटा तो बेसिकली तो मशीन का ही एक्सपेंस है. 1000 गलती से वो चला गया हमारे वेजेस अकाउंट में. हर्षनी रॉन्ग एंट्री बेटा. हर्षनी सर वेजेस टू कैश. यस रॉन्ग एंट्री होगी बेटा. वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश 1000. रॉन्ग एंट्री को हम लोग क्या करते हैं बेटा, रिवर्स करते हैं. कैश अकाउंट डेबिटेड टू वेजेस 1000. अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे बेटा तो मशीन अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट. मशीन अकाउंट डेबिट 1000. अब देखो यहाँ पे कैश क्रेडिट और यहाँ पे कैश डेबिट वो दोनों कैंसिल हो जाएगा बेटा. टू वेजेस 1000. सेकेंड एंट्री क्लियर स्टूडेंट सब लोगों को बेटा? यस सर. चलो थर्ड नंबर एंट्री बेटा. थर्ड नंबर एंट्री कुश. थर्ड नंबर एंट्री रीड करो बेटा कुश. कुश एंट्री नंबर थर्ड रीड करो बेटा. माही आप रीड करो बेटा एंट्री नंबर थ्री. थर्ड. हाँ बेटा थर्ड नंबर. पेड पर्सनल मेडिकल बिल ऑफ रुपीज 1000 रिकॉर्डेड इन मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट. चलो करेक्ट एंट्री ट्राई करो बेटा माही इसकी. माही करेक्ट एंट्री बेटा. ड्रॉइंग्स अकाउंट. यस ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट क्योंकि पर्सनल है बेटा. ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश. कितना है बेटा पर्सनल मेडिकल बिल? 1000. ओके इट वाज रिकॉर्डेड इन मिसलेनियस एक्सपेंस. मिताली रॉन्ग एंट्री ट्राई करो बेटा. मिताली मिश्री आप इसकी रॉन्ग एंट्री ट्राई करो. नव्या आप इसकी रॉन्ग एंट्री ट्राई करो. सर मिसेलेनियस एक्सपेंस टू कैश. यस मिसेलेनियस एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू कैश 1000. अब इसको रिवर्स करेंगे.
तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू मिसलेनियस एक्सपेंस 1000 1000. अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे बेटा, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड 1000 टू मिसलेनियस एक्सपेंस. ये सब वर्किंग में दिखा ना बेटा आप लोगों को, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड 1000 टू कैश, कैश डेबिट दोनों गया टू मिसलेनियस एक्सपेंस 1000. सर आई वाज हैविंग अ डाउट. यस बेटा प्लीज. सर एग्जाम में ऐसे अगर हम टेबल बनाते तो साइड में अगर हम बाहर ऐसे वर्क करें तो चलता है? नहीं, वो पीछे करना पड़ेगा बेटा, पीछे रफ वर्क लिख के ये सब करना पड़ेगा बेटा. ओके सर, क्वेश्चन के पीछे, ठीक है, साइड में नहीं बेटा कभी भी. तो सर हमको शो तो सिर्फ जनरल एंट्री करने के. हाँ, शो अपन को यही करना है बेटा, लेकिन वो कैसे आएगा ना वो हमको यहाँ पे शो करना पड़ेगा बेटा, वो आपको रफ पे शो करना पड़ेगा. सर रफ थोड़ी के सम के पीछे हम शो करें, लास्ट पेज पे करो तो भी चलेगा बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लास्ट पेज पे भी कर सकते हैं बेटा. ओके चलो स्टूडेंट्स फटाफट कंप्लीट करो बेटा, तो आगे ट्रांजेक्शन बढ़े, स्पीड रखना बेटा क्योंकि अभी तीन ही ट्रांजेक्शन हुए. डन सर. सर यस बेटा. सर एक बार लास्ट एंट्री बोलो ना. ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश क्योंकि अपन ने पर्सनल बिल पे किया, वो करेक्ट एंट्री. गलती से वो मिसलेनियस एक्सपेंस में चला गया तो रॉन्ग एंट्री, मिसलेनियस एक्सपेंस टू कैश. रॉन्ग एंट्री को रिवर्स किया, कैश टू मिसलेनियस एक्सपेंस, कैश कैश में गया, बचा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू मिसलेनियस एक्सपेंस. ये साइड वाला अभी तो हम साइड में लिख लेना एक बार. हाँ बेटा, नहीं अभी नहीं लिख, पीछे लिखो बेटा, साइड में नहीं लिखो. सर आज सीबीएसई वालों का वो फाइनल अकाउंट्स का लेक्चर होगा? नहीं कल है बेटा, कल दूंगा. ओके सर. सो व्हाट्स द टाइमिंग ऑफ एग्जाम? 7 to 8 बेटा, शाम को. ओके. बेटा सबका कंप्लीट हो जाए तो बता देना बेटा, फिर आगे बढ़े. डन सर. डन सर. डन सर. डन सर. सबका कंप्लीट हो गया बेटा? कोई ऐसा बेटा जिसका नहीं हुआ हो तो आगे बढ़ो मैं. चलो फोर्थ नंबर. याना आइए, याना. स्वयं फोर्थ नंबर. स्वयं. यस सर. फोर्थ नंबर रीड करो बेटा. पेड रुपीस 3000 टू नयन रिकॉर्डेड इन नयनाज अकाउंट. ओके, इसकी करेक्ट एंट्री ड्रा करो स्वयं. सर नयन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. वेरी गुड बेटा, नयन अकाउंट डेबिटेड टू कैश 3000. राहुल राज पुरोहित रॉन्ग एंट्री बेटा. राहुल राज पुरोहित. यस सर. रॉन्ग एंट्री बेटा. सर मीना अकाउंट डेबिटेड टू कैश है. नैना अकाउंट है, मीना नहीं है. हाँ सॉरी, नैना सर, सॉरी. नैना अकाउंट डेबिटेड टू कैश 3000. रॉन्ग एंट्री को क्या करेंगे बेटा? रिवर्स. रिवर्स. तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू नैना 3000. अब
एंट्री बनेगी नयन अकाउंट नैना टू नयन क्यों नयन टू नैना होगा ना बेटा हाँ सर नयन टू नयन अकाउंट डेबिटेड टू नैना 3000 क्यों क्यों बेटा कैश कैश तो चला गया कैश क्रेडिट कैश डेबिट चला गया फोर्थ नंबर एंट्री क्लियर बेटा सबको स्टूडेंट्स यस सर राहुल शुक्ला राहुल शुक्ला ओम ओम आवाज आ रही है मेरी पार्थ कैन यू हियर मी यस सर पार्थ फिफ्थ नंबर ट्रांजेक्शन रीड करो बेटा Gave rupees 4000 to Kishore as advance salary recorded in salary account. चलो इसका करेक्ट एंट्री ट्राई करो बेटा. सर किशोर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. यस किशोर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. स्टूडेंट जब लोग किसी को एडवांस सैलरी देते हैं ना बेटा तो उस पार्टी का नाम ही लिखा जाता है उसमें कभी सैलरी अकाउंट नहीं लिखा जाता सैलरी मतलब जब उसने पूरा महीना काम किया फिर आप उसको जो पैसा दो वो सैलरी कहलाएगा आप उसको एडवांस में पैसा दे रहे हो बेटा तो किशोर अकाउंट डेबिटेड टू कैश राजवी रॉन्ग एंट्री बेटा राजवी सर सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 4000 अब जो रॉन्ग एंट्री है उसको करेंगे रिवर्स कैश अकाउंट डेबिटेड टू सैलरी 4000 अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे बेटा करेक्ट एंड रिवर्स को तो किशोर अकाउंट डेबिट 4000 कैश क्रेडिट डेबिट में गया टू सैलरी चार हजार सर ऐसे जो एक्सपेंसेस एडवांस में पे करते हैं उनमें पर्सनल अकाउंट ही आता है हाँ पर्सनल अकाउंट ही आता है बेटा यहाँ तो क्या होता है ना कि आप इसकी जगह पे सैलरी इन एडवांस करके लिखोगे तो भी चलेगा या एडवांस सैलरी अकाउंट डेबिट लिखोगे तो भी चलेगा बेटा ठीक है एडवांस फॉर सैलरी ऐसा लिखे तो चलेगा हाँ तो चलेगा ना बेटा एडवांस फॉर सैलरी या सैलरी इन एडवांस अकाउंट डेबिटेड तो भी चलेगा कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है बेटा जील ट्रांजेक्शन नंबर 6 बेटा यस सर परचेस गुड्स ऑफ रुपीज 2000 Remain unrecorded in books. Record ही नहीं किया बेटा तो जिसको record ही नहीं किया होता ना तो उसमें ये wrong correct करने की जरूरत ही नहीं है उसमें सीधी entry आ जाएगी Zeal entry क्या होगी बेटा Sir, purchase account debited to cash account 2000 Purchase account debited to cash account 2000 Sixth number Seventh number आर्यन सेवन नंबर रीड करो बेटा आर्यन सर इसमें राइट रॉन्ग क्यों नहीं किया एक बार बताओ बेटा रिकॉर्ड ही नहीं किया है गलत तो रिकॉर्ड करने की दूर की बात है रिकॉर्ड ही नहीं किया है बेटा तो जब रिकॉर्ड नहीं किया होता है तो डायरेक्ट हम लोग एंट्री कर देंगे परचेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश कंप्लीट ठीक है बेटा सर आई कैन रीड यस सर यस आर्यन सेवंथ नंबर बेटा Allowed discount of rupees 100 to Jagdish remains unrecorded. हमने जगदीश को 100 रुपया डिस्काउंट दिया बेटा वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो उसमें भी करेक्ट रॉन्ग करने की जरूरत नहीं है हमको जगदीश को 100 रुपया डिस्काउंट देना बेटा कौन एंट्री ट्राई करेगा सर मैं आदर्श बोलो बेटा डिस्काउंट अलाउड टू जगदीश वेरी गुड बेटा हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं बेटा तो जब डिस्काउंट देते हैं स्टूडेंट्स ये हमारा एक्सपेंस होता है इसीलिए उसको डेबिट करेंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू किसको डिस्काउंट देना है बेटा जगदीश को तो टू जगदीश रिसीवर कितना है बेटा अमाउंट 100 रुपीज तो दोनों जगह पे 100 लिख देंगे चलो स्टूडेंट्स फटाफट यहां तक कंप्लीट करो बेटा तो ट्रांजेक्शन नंबर 8 और 9 पे जाए बेटा सर हाँ बेटा सर आप खाली वो ग्रुप में लिख सकते हैं क्योंकि मेरी लेट एंट्री हुई ना सर नेट के कारण तो हाँ थैंक यू
सर फोन नंबर के एंट्री बोलो ना. नवीन अकाउंट सॉरी नयन अकाउंट डेबिट एट टू नैना. नयन अकाउंट डेबिट एट टू नैना. सर इसका एक फोटो भेजो ना प्लीज. भेजता हूँ. सर ये 7 नंबर एंट्री फेस से समझो. हमने बेटा डिस्काउंट दिया है तो जब अपन डिस्काउंट देते हैं बेटा वो अपना एक्सपेंस होता है. इसीलिए डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट एट टू. किसको डिस्काउंट मिल रहा है बेटा? जगदीश को. तो टू जगदीश अकाउंट. ओके सर. डन डन सर. वेट बेटा सबका कंप्लीट हो जाने दो. आयुष एट नंबर रीड करो ना बेटा. आयुष. यस सर. बैंक हैज क्रेडिटेड इंटरेस्ट रुपीस 50 रिकॉर्डेड ऑन पेमेंट साइड. ओके. बैंक हैज क्रेडिटेड इंटरेस्ट. बेटा बैंक ने हमको इंटरेस्ट दिया. इंटरेस्ट दिया मतलब अपने पास इंटरेस्ट का पैसा आया ही अपनी इनकम है बेटा. लॉजिक समझना है स्टूडेंट्स. तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? हमारे पास इंटरेस्ट का पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट 50 रुपया टू बैंक इंटरेस्ट. टू बैंक इंटरेस्ट 50 रुपीज. स्टूडेंट्स करेक्ट एंट्री सबको पता चली बेटा? यस सर. यस सर. हमने उसको गलती से कहां पे लिखा है बेटा? पेमेंट साइड पे लिखा है. मतलब हमने क्या समझा? ये हमारा एक्सपेंस है. तो हमने एंट्री की बैंक इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट एड टू बैंक अकाउंट 50 रुपया. ये हमारी रॉन्ग एंट्री. दोनों क्लियर बेटा? यस सर. अब जो रॉन्ग एंट्री है उसको हम लोग रिवर्स करेंगे बेटा. तो रिवर्स करें तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट एड टू बैंक इंटरेस्ट 50 रुपीज. अब इन दोनों को कंबाइन करो बेटा. ध्यान से सुनना. देखो इन दोनों को कंबाइन करें तो बैंक डेबिट तो टोटल बैंक डेबिट हो जाएगा कट नहीं होगा. नहीं, क्योंकि कट कहां पे होता है बेटा? जब डेबिट क्रेडिट होता है. यहाँ पे दोनों डेबिट है तो प्लस हो जाएगा. बैंक डेबिट तो दोनों प्लस होके 100 रुपया. बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट तो दोनों प्लस होके क्रेडिट हो जाएगा. क्लियर बेटा सब लोगों को स्टूडेंट्स? यस सर. यस सर. ओके आदर्श 9th नंबर ट्रांजेक्शन बेटा. स्टूडेंट्स 9th नंबर ट्रांजेक्शन ध्यान से सुनना. इट इज अ कंपेंसेटिंग एरर. यस बेटा. यस सर. परचेज फर्नीचर ऑफ रुपीस 5000 रिकॉर्डेड एज 500. वेट बेटा. स्टूडेंट्स फर्नीचर आया मतलब मुझे फर्नीचर के डेबिट में 5000 रुपया रिकॉर्ड करना था. लेकिन मेरी गलती क्या हुई? मैंने सिर्फ 500 रुपया रिकॉर्ड किया. तो मुझे कितना रिकॉर्ड करना बाकी है बेटा? 4500 रुपए रिकॉर्ड करना बाकी है. यहां तक क्लियर बेटा सबको स्टूडेंट्स? यस सर. यस सर. आदर्श आगे कंटिन्यू बेटा. यस. बैंक लोन ऑफ 7500 रिकॉर्डेड एज 3000. स्टूडेंट्स बैंक लोन
हम लोग जब बैंक से लोन लेते हैं बेटा तो बैंक गिवर होती है, तो गिवर को हम लोग क्रेडिट करते हैं। मुझे बैंक लोन को क्रेडिट करना था 7,500 लेकिन मैंने लिखा सिर्फ 3,000, तो कितना रिकॉर्ड करना बाकी रह गया बेटा 4,500। देखो दोनों जगह पे 4,500 रिकॉर्ड करना बाकी रह गया है। इसको हम लोग कहते हैं कंपेंसेटिंग एरर्स, जहां पे दोनों तरफ डेबिट क्रेडिट दोनों साइड एक जैसी मिस्टेक होती है उसको हम लोग कंपेंसेटिंग एरर्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इसकी एंट्री बनेगी बेटा फर्नीचर टू बैंक लोन अकाउंट डेबिटेड 4,500 टू बैंक लोन 4,500। समझ गए बेटा सब लोगों को स्टूडेंट्स? यस सर। सर एक बार वापस समझाओ ना। कौन सा वाला बेटा पार्थ? सर 9th वाला ये। देखो बेटा हमने फर्नीचर परचेस किया, मतलब फर्नीचर अपने पास आया, डेबिट पोर्ट कम्स इन, तो मुझे डेबिट में लिखना था 5,000 लेकिन मैंने लिखा है सिर्फ 500, तो कितना रिकॉर्ड करना बाकी है बेटा 4,500। सेम वे मैंने बैंक से लोन लिया है तो बैंक इज दी गिवर, तो मुझे बैंक लोन को क्रेडिट करना है 7,500 लेकिन मैंने सिर्फ क्रेडिट किया 3,000, तो कितना क्रेडिट करना बाकी है 4,500, तो उसको क्रेडिट कर देंगे। तो फर्नीचर अकाउंट है बिट टू बैंक लोन, इसको हम लोग कंपेंसेटिंग एरर कहते हैं बेटा। कंप्लीट कर दो स्टूडेंट फटाफट। बाकी हम लोग फिर इसको वेनेसडे कंटिन्यू करेंगे बेटा। स्टूडेंट्स आज इसका कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूं बेटा, परसों हम लोग एक और ऐसा सम करेंगे फिर आप लोगों को बेटा मैं होमवर्क दूंगा। अभी जिनका जिनका बेटा कंप्लीट हो गया है वो मीटिंग लीव कर सकते हैं बेटा। बाय सर। बाय बेटा। बाय सर। बाय सर। यस बेटा। बाय बेटा। बाय सर। बाय बाय। बाय सर। बाय बेटा। सर। यस बेटा। सर आज कितने मार्क्स की एग्जाम है? 25 बेटा। 25? हाँ बेटा। ओके सर। बाय सर। बेटा।